लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जो भी वादे किए थे उसे प्रदेश सरकार पूर्ण करेगी। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित शिमला ग्रामीण की बैठक में उन्होंने ये बात कही। इस दौरान वे शिमला ग्रामीण के लोगों से भी मिले और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी किया। देखिए, आज फर्स्ट हमारी डिपार्टमेंटल मीटिंग थी और मेरे साथ हमारे जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है श्री संजय वस्ती जी और हमारे इंजीनियर इन चीफ है और सभी हमारे जोन्स के चीफ इंजीनियर्स एससीज और सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स यहाँ पे उपस्थित है और ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इसमें प्रदेश की कायाकल्प करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो PWD निभाता है। तो इसको रिवैम्प करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए और आने वाले समय में जो कार्य अलग अलग हेड्स में चल रहे हैं उनका रिव्यू तो हमने किया ही है, मगर एक नया इनोवेशन आने वाले समय में प्रदेश के अंदर लाया जाए उसको भी हमने ख्याल रखना है और उसी लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो इसमें जो हमारे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हमको है या जिस में हम हमारा कोई शॉर्टफॉल है जिसमें हमको केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए या जितने और चाहे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है जहाँ से इसकी फंडिंग्स होती है उसके बारे में भी हमने रिव्यू लिया है और आने वाले समय में इसको मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ इसको हम केंद्र सरकार के साथ टेकअप करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज इसीलिए एक फर्स्ट रिव्यू मीटिंग रखी गई है। आने वाले समय में हम प्रदेश के हर क्षेत्र का दौरा करके वहाँ पे जो ज़मीनी स्तर की परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और जो भी उसमें कुछ कमी पेशी है उसको अपनी ओर से उसमें पूरा योगदान देने का प्रयास करेंगे। कुछ वैकेंसीज़ का भी इसमें मसला उठकर आया है कि जो हमारा थर्ड क्लास है या सेकंड क्लास है या इंजीनियर्स तक भी, जूनियर इंजीनियर्स है, कई हमको डेलीगेशंस भी उनके मिले हैं कि उनकी जो है वैकेंसीज़ काफ़ी समय से भरी नहीं गई है, उसको भी हम देखेंगे, उसमें भी उसको सरकार के माध्यम से उस पर अपना योगदान देने का प्रयास करेंगे। कुछ मामला कोर्ट में भी लंबित है, माननीय हाई कोर्ट में, तो जो हमारे एडवोकेट जनरल है उनके माध्यम से जल्द से जल्द सुलझाने का हम प्रयास करेंगे। कुछ और हमारे चाहे फॉरेस्ट के केसेस है, कुछ आर्बिट्रेशन के केसेस है, लिटिगेशन का मसला है, उसमें भी जितनी जल्दी वो मसले हल हो सके उसके ऊपर भी हम आने वाले समय में अपना पूरा योगदान देंगे क्योंकि इन लिटिगेशन की वजह से, कोर्ट केसेस की वजह से समय बहुत बर्बाद होता है और पब्लिक मनी जो है वो बहुत बर्बाद होता है। तो इसका हम ध्यान रखते हुए उसको आने वाले समय में उसको ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।